हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर तन्मय गोरखनाथ होन। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, उससे पहले हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10, ब्लॉक ए वेटिंग 1000 न्यूटन, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, रेस्ट ओवर अ ब्लॉक बी विच इज़ हैविंग वेट 2000 न्यूटन एज शोन इन फिगर। ब्लॉक ए इज टाइड विद टू द वॉल विद अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, ए को बांध के रखा है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.1:4, दैट इज 0.25, एंड बी एंड फ्लोर का फ्रिक्शन है 0.33, दैट इज 1/3। वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी फोर्स वेन मूव ब्लॉक बी इफ पी फोर्स इज हॉरिजॉन्टल एंड पी इज एट 30 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो हमें जानना है कि यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, इसको एक रस्सी से बांध के रखा है, उसके नीचे बी ब्लॉक है एंड उसको हमें पी फोर्स से खींचना है। तो ये जो फोर्स है, हमें इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। तो हम इसको फ्री बॉडी मतलब इसका वजन, इट विल वर्टिकल एक्सियल डाउनवर्ड 1000 नीचे आएगा, ये टेंशन इधर ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा। जैसे 1000 यहाँ पे आ रहा है, इसका इक्वल एंड अपोजिट उसका नॉर्मल फोर्स आएगा, दैट इज़ N1। अभी T1 इधर जा रहा है, उसको खींच रहा है लेफ्ट साइड, तो उसको फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे होगा F1। तो लाइक दिस, ऐसे लॉजिक से हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी होती है। जैसे हमें फ्री बॉडी डायग्राम मिलती है, हमें उसको f(x) एंड f(y) से सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है N1 एंड F1 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, एंड जैसे फ्री बॉडी डायग्राम निकलती है, हमें उसको फोर्स निकाल, तो f(x) यहाँ पे देखिए, t ऑपोजिट साइड जा रहा है तो माइनस, एंड f राइट साइड जा रहा है तो प्लस। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें t = F1 आ रहा था। F(y) मतलब यहाँ पे नीचे 1000 था, ऊपर 1000 जा रहा था, सो N1 आपका आएगा 1000 न्यूटन। सिमिलर, एकदम सिंपल है, बट हमें पता है F क्या होता है, म्यू इंटू N1। तो ऑलरेडी म्यू 1 हमें पता है 1:4, तो F1 आ गया हमारा 1/4 इंटू N1 हमें पता है 1000, तो आ रहा है 250। सिमिलरली हमें B जो बॉडी है उसको हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर A का ऑलरेडी निकाला था, तो यह ए साइड ऑपोजिट फ्रिक्शन था F1, तो सेम ऑपोजिट साइड आपको फ्रिक्शन निकालना है, दिस विल बी योर F, दिस ऑल्सो F1। यहाँ पे नॉर्मल हमने ऊपर दिखाया था, यहाँ पे नॉर्मल नीचे आएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा 1000 प्लस इसका सेल्फ वेट भी आएगा 2000, यहाँ पे लिखा नहीं है, आएगा। देन ये पी फोर्स यहाँ पे उसको खींच रहा है, तो उसका नीचे फ्रिक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट विल बी योर F2, एंड इसका नॉर्मल N2 आएगा। बस सेम रूल फॉलो करना है, समेशन f(x) करना है एंड समेशन f(y) करो, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट पी फोर्स। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आपको इजी जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट है, थैंक यू फॉर देम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।